नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 34 वी हैव ड्राइंग टूल्स, हेडिंग इज ड्राइंग टूल्स। ड्राइंग टूल्स मीन्स बेटा यू ड्रॉ, ड्राइंग मीन्स ड्रॉ करना। क्या ड्रॉ करोगे? यू गिव ड्रॉ शेप्स, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स। इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इलस्ट्रेशन कैन बी वेरी यूजफुल टू शो केस योर आइडियाज़। कहते जो ड्राइंग टूल्स हैं एमएस वर्ड में, आप अपने आइडियाज़ को, जो आपके शो केस योर आइडियाज़ हैं उनको शो कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। एमएस वर्ड फीचर्स अ नंबर ऑफ ड्राइंग, जो आपका एमएस वर्ड है उस पर केवल नंबर ऑफ ड्राइंग टूल्स हैं। सी ओवर है, वी हैव नंबर ऑफ ड्राइंग टूल्स। दीज टूल्स असिस्ट इन एडिंग विजुअल ग्राफिक्स इन वर्ड डॉक्यूमेंट्स। मीन्स विजुअल ग्राफिक्स ऐड करने के लिए वर्ड डॉक्यूमेंट वी यूज ड्राइंग टूल्स। यू कैन कम्युनिकेट योर इंटेंट यूजिंग दीज टूल्स। हम इस टूल्स को यूज़ करके अपने इंटेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। मीन्स आपका जो इंटेंट है, जो आपका डॉक्यूमेंट है ना। सो इन एमएस वर्ड अलाउ यू टू इंसर्ट विजुअल ग्राफिक्स इन द फॉर्म ऑफ शेप। एमएस वर्ड हमें क्या यूज़ आप अलाउ कर रहे हैं कि विजुअल ग्राफिक्स किस की फॉर्म में, शेप्स हैं, डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, लाइंस हैं, वर्ड आर्ट्स हैं और कर्व्स हैं। हाउ वी वर्क विद शेप्स, शेप्स के साथ वर्किंग कैसे करते हैं। यू कैन यूज़ शेप्स टू विजुअलाइज आइडियाज़। शेप को हम अपने आइडिया को विजुअलाइज करने के लिए, अप्लाई करने के लिए आइडियाज़ को एमएस वर्ड में यूज़ करें। यू कैन ड्रॉ शेप्स इन डॉक्यूमेंट। हमने एक्सपोज शेप ड्रॉ की है डॉक्यूमेंट में। हाउ टू इंसर्ट, कैसे इंसर्ट करेंगे। फर्स्टली दिस इज़ योर, सी दिस एग्जाम्पल, दिस इज़ योर वर्किंग एरिया, ब्लैंक स्पेस जहाँ पर आपने अपना काम करना है। Firstly, on the right side of home, click on Insert tab. Insert पे, when you click on Insert tab, then click the shape over here. Shape icon and shape पे जब क्लिक करोगे drop down list open हो जाएगी. Drop down means आपने कौन सी shape, we have number of shapes over here. So drop down से आपने shape select कर ली. Suppose select required. So मैंने rectangle select कर लिया. देन आपका जो कर्सर है आपने यहाँ पे लेके गए ब्लैंक स्पेस में, आपने यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर दिया आपके माउस के साथ। सो सी ओवर हियर, क्रिएट अ रेक्टेंगल, क्लियर। आफ्टर दैट जितना भी आपको साइज चाहिए आप उसको ड्रैग कर सकते हो। देन आप अपना माउस रिलीज कर दोगे, मींस छोड़ दोगे उस माउस बटन को जिससे आप ड्रैग कर रहे हो। आफ्टर दैट जो आपका फॉर्मेट टैब फीचर है, उसके बाद आपने उसकी, आपने टेक्स्ट, आपने अपने इमेज की हाइट चेंज करनी है, विड्थ चेंज करनी है। हाउ, हाउ फॉर्मेट, फॉर्मेट मींस कैसे करोगे। सिलेक्ट द रिक्वायर्ड शेप, शेप को सिलेक्ट कर लिया, देन फॉर्मेट टैब अपीयर। सी ओवर हेयर, आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट टैब होगी। तो फॉर्मेट टैब पे जब क्लिक किया आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी। आपके पास जब ड्रॉप डाउन लिस्ट हुई है, देखो आपके पास, हमारे पास विड्थ और हाइट का साइन आ गया। सो यहाँ से आप अपनी हाइट चेंज कर सकते हो और विड्थ चेंज कर सकते हो। कस्टम मींस होता है बेटा आप अपना खुद का कोई भी हाइट विड्थ देना चाहते हो। ओके, नेक्स्ट, टू चेंज द शेप परफॉर्म द फॉलोइंग। अगर आपने शेप को चेंज करना है, सपोज पहले मैंने रिक्टेंगल ड्रॉ की थी, अब आपने यहाँ से शेप को रीप्लेस करना है। कैसे करोगे, टू रीप्लेस द एग्जिस्टिंग शेप विद अनदर वन क्लिक द चेंज शेप। चेंज शेप पे अगर, या तो चेंज शेप पे करोगे या फिर बेटा अपना यहाँ पे जाके जो आपकी इमेज होगी, आपकी शेप होगी, राइट क्लिक कर दोगे ना तो आपके पास ये वाला साइन बन जाएंगे। सो इससे आप राइट क्लिक करके उसको कट भी कर दोगे। वेरी इजी मेथड, राइट क्लिक करोगे इस पे आपके, आप कट की ऑप्शन आएगी, आप इसको कट कर दोगे तो ये रिप्लेस चेंज हो जाएगी। अगर रीप्लेस करनी है, क्लिक द चेंज शेप आइकन, देन फ्रॉम द सब मेन्यू सिलेक्ट द रिक्वायर शेप। अगर रीप्लेस पे जाना है, आपने शेप के पेज क्लिक किया, वहाँ पे कौन सी शेप चाहिए उसको, सपोज मैंने रिक्टेंगल को ओवल में चेंज कर दिया। इस सेम एज आपने इस फिगर को आगे वर्टेक्सेस में चेंज कर दिया, वट एवर यू वॉन्ट टू रीप्लेस इट। फाइन, क्लियर, समझ लग गया ना कैसे आपने रीप्लेस करना है, कैसे ऐड करना है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेसिंग टेक्स्ट। आपने Whenever you create a shape, shape तो create कर ली, उस shape में अपने text लिखना है। Placing text कैसे लिखोगे। Once created a shape can be used to illustrate the information on the page. अगर suppose मैंने rectangle ही, आप किसी को पता नहीं कि ये rectangle है in previous example. So I write rectangle in the shape.
टू अकम्प्लिश दिस, कहते हैं एम एस वर्ड अलाउ यू टू प्लेस टेक्स्ट, एम एस वर्ड अलाउ कर रहा है कि आप टेक्स्ट में अपना टेक्स्ट शेप में अपना टेक्स्ट भी लिख सको. यू कैन राइट डाउन टेक्स्ट इन द डिफॉल्ट स्टाइल. कैसे करोगे, एड टेक्स्ट सिलेक्ट करोगे, पहले शेप को सिलेक्ट कर दिया, देन राइट क्लिक करोगे उस पर, राइट क्लिक, माउस हैज़ टू बटन, लेफ्ट और राइट, राइट क्लिक किया, देन फ्रॉम द मेन्यू, मेन्यू से आप क्या करोगे, क्लिक करोगे एडिट टेक्स्ट, देन अ कर्सर अपीयर इन द सिलेक्टेड शेप. कर्सर आपका, कर्सर जो माउस कर्सर अपीयर करेगा आपके सिलेक्टेड शेप पे, देन स्टार्ट टाइपिंग, देन आप कीबोर्ड से टाइप कर दोगे. जैसे इन्होंने लिखा शेप वन. फाइन बेटा जी, नेक्स्ट टॉपिक विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.